नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो चीज़ें लिख लीजिएगा एक बार। हमारे पास है साइन अल्फा 3/5 और कोस बीटा 9/41 है ना। ये चीज़ है कि अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका, तो फाइंड आपको क्या करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड कोस अल्फा माइनस बीटा करना है। बेटा ये चीज़ें जो गिवन चीज़ें हैं आपके पास है ना, ये आपको दो चीज़ें दिख रही होगी लेकिन असल में देखो चार चीज़ें दिख रही है। कितनी चीज़ें दिख रही हैं, चार। सर चार चीज़ें कौन सी हैं, कोई बच्चा बोलेगा कि चार वो चीज़ है ना, यहाँ साइन अल्फा दिए हैं कोस बीटा दिए हैं, तो चार चीज़ें के बारे में कोई दूसरा बोल सकता है कि सर दो चीज़ ये चीज़ होगी। हाँ बेटा, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आइडेंटिटी से हम साइन बीटा निकाल सकते हैं और साइन बीटा निकाल सकते हैं, वो आपका सॉरी कोस बीटा, हमारे पास साइन बीटा निकाल सकते हैं और कोस अल्फा निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। एक आइडेंटिटीज हमें पता है, वो आइडेंटिटीज ये हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ तो कर ही सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 है। साइन की हम वैल्यू रखेंगे 5 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा भाई, इधर आके 1 - 9/25 और ये हो जाएगा आपका 10/25। तो कोस अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। प्लस माइनस आएगा, ये क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस वाला हम नहीं ले सकते। माइनस वाला हम इसलिए नहीं ले सकते कि अल्फा और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोस नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हम इस माइनस को नहीं ले सकते, इस माइनस को नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे, प्लस वाला। सारी कहानियाँ जो हमने खेली हैं वो कहानियाँ यहाँ भी लगती हैं कि सर यहाँ आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। और बेटा ये तो आपका साइन बीटा रहेगा प्लस ये 9/41 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और ये इधर जाके स्क्वायर खुलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ये तो 81 हो। इसका आप कमेंट कीजिएगा। हाँ हाँ जी, ये हो गया 1681। कोई दिक्कत है आपके तो वो बोलते जाइएगा आप 1681। हम जब एलसीएम लेने बात करेंगे तो हमारा ऊपर बचेगा 16 आपका क्या हो गया ये 1600 और नीचे 1681। तो हम साइन बीटा निकाल लेंगे, वो आपका 14/41 होगा, 40/41 होगा। हाँ जी, ये जो चीज़ें, इतनी चीज़ें हमने देखी हैं, ये दिमाग में तब आएगी जब आप बार बार सोचोगे, आइडेंटिटीज़ के बाद आइडेंटिटीज़ पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ये जब सारी चीज़ें आएगी तभी हमारा क्वेश्चंस बनेगा। थोड़ा सा ठीक लेवल से अगर हम देखा जाए तो यहाँ इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी, अब हम पूछा है, हम निकाल सकते हैं। आप सर साइन अल्फा माइनस बीटा बताइए, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, साइन अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। वैल्यू आपके पास सारी है। एक क्वेश्चन मैं करूँ, दूसरे आंसर आपसे पूछूंगा, आप सोल्व करके बताइएगा। साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास 3/5 है और कोस बीटा की वैल्यू आपके पास 9/41 है, माइनस कोस अल्फा की वैल्यू भी आपके पास आ गई है
कोस अल्फा की वैल्यू आपके पास 4/5 है और साइन बीटा की वैल्यू आपके पास 40/41 है। हाँ जी, इसको सोल्व आप कर सकते हो। एलसीएम आपका 5 करोस 41 है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा भाई और आंसर कमेंट कीजिएगा। इतनी कैलकुलेट कर सकते। हाँ जी, ये आपका हो जाएगा 27 माइनस। हाँ जी, इतनी कैलकुलेशन आसान बेटा, आंसर माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोस अल्फा माइनस बीटा, इसके बारे में मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। कोस अल्फा, कोस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, आपके पास 30 सेकेंड है, आपके पास है भाई। भाई आप तो कैलकुलेटर हो है ना, बहुत सारे बच्चे इतनी देर में आंसर कर चुके हैं। विनय नागर, आपका आंसर ठीक है भाई। कमेंट में देख सकते हो जो आंसर कर रहा है, लेकिन आप डाल के कीजिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। सब मैक्सिमम बच्चे राइट आंसर आपका। हाँ जी, 157/205। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी और सोल्व करना था बेटा। अब हम मैं मुझे विश्वास हो गया कि क्वेश्चंस आप लगाने लग गए हो, लेकिन मजा तब और आएगा जब कुछ ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आएंगे।